हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में रेलवे के एक ऐसे स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जिसने अपने निवेशक को 3 साल के अंदर ही देख सकते 3000% से ज़्यादा का दमदार रिटर्न दे रखा है। और अब जो है ये जो कंपनी अपने निवेशक को स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉरपोरेट एक्शन से भी बेनिफिट पहुंचाने वाला, और ऊपर से इस स्टॉक में खास खबर आज का मैं बता रहा हूं कि इसे एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है। तो आज हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे, कितने में कितने का स्टॉक स्प्लिट मिलने वाला है, कितना का ऑर्डर है, काम क्या है, सब कुछ इसी वीडियो में हम जानने वाले। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप निवेश कर रखे हैं तो पर भी, और अगर आप निवेश करने की सोच रहे थे तो पर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए नाम जानते हैं, उससे पहले हम आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में जो हमने 200 लाइक का टारगेट रखा था वो बहुत ही आसानी से पूरा हो गया है, इवन 250 लाइक पहुँच चुका है, जिसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ठीक इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहेंगे तो हमारा चैनल कुछ ही समय में जो शैडो बैन वगैरह में है, हैक के कारण जो गया था, गड़बड़ हुआ था, वो सब वापस आ सकता है। तो इस वीडियो में हम छोटा सा टारगेट रखते हैं, 225 लाइक का टारगेट रखते हैं। आई होप इस बार भी हम आसानी से अचीव कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले नाम देख लीजिए, K&R रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसे क्या मिला है, इसे ऑर्डर भी मिला है, वो भी हम दिखाएंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं मात्र 1000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। PE रेशियो 135 का, ROE दोनों पॉजिटिव है, बुक वैल्यू 20 का है। अभी करेंट मार्केट प्राइस 498 का है और यहाँ पर देख सकते हैं फेस वैल्यू 10 का है, जो कि स्प्लिट होने वाला है। और कितना में स्प्लिट होगा वो भी हम वीडियो में ही बताने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड इज इन बिजनेस ऑफ लेइंग प्राइवेट रेलवे स्लाइडिंग ऑन अ टर्नकी बेसिस। तो यहाँ पर ये जो इसका काम है वो मैं बता दिया हूँ। नीचे चल करके कुछ चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट, जैसे कंपनी डेट फ्री है, देख सकते हैं रिड्यूस किया, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हुआ है। कौनस देख लीजिए, कुछ कुछ कौनस है, जैसे कि इसका ट्रेडिंग जो इस बुक वैल्यू है वो थोड़ा कम नहीं, बाकी काफ़ी कम है, उसके कंपेरिजन में काफ़ी ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो भी आया है, पी रेशियो के हिसाब से भी देखा जाए तो ये जो स्टॉक है थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। उसके अलावा नीचे चल करके सेल देखिए तो सेल कंपनी का ठीक ठाक है, बहुत खास नहीं है, बस ठीक ठाक है, ठीक है, गड़बड़ भी नहीं बोल सकते, ठीक ठाक है। EPS प्रॉफिट देखिए, लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट निगेटिव रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नीचे चल करके आपको दिखा देता हूँ रिजर्व, देख लीजिए कंपनी के पास 21 करोड़ का है और डेट जो है जीरो है, देखिए जैसा कि हमने बताया था। तो कंपनी में खासियत यही कि कंपनी अपने डेट को जीरो कर रखा है और कुछ भी नहीं, मतलब और खास ये भी है कि रेलवे सेक्टर का है, और दूसरी बात ये है कि इसे ऑर्डर मिला है, तीसरी बात है कि स्टॉक का स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन मिल रहा है, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा जो पहले से निवेश कर रखे हैं। अभी निवेश करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो जो लोग पहले से निवेश कर रखे हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। यहाँ पर देखिए प्रमोटर होल्डिंग रिड्यूस करके 55% पे ले आए हैं, वहीं पर पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो 25 से 45% के आसपास पहुँच चुका है। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रमोटर भी अपना स्टेक घटाया है और ऊपर से कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आप अगर निवेश करने की सोच रहे थे तो थोड़ा रुक सकते हैं। अगर आपको सिर्फ टेम्प्ट कर रहा है स्टॉक स्प्लिट का, जो स्टॉक स्प्लिट जो मिलने वाला है वो आपको टेम्प्ट कर रहा है, तो आप एकदम निवेश ना करें, ये मेरा पर्सनल व्यू है। बाय द वे मैं तो यही कहूँगा कि हमारा जो काम है आपके तक सिर्फ तो सिर्फ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट पहुँचाना। फाइनली आपका डिसीजन आपका ही होना चाहिए और वो भी आफ्टर योर ऑन रिसर्च, क्योंकि हम लोग किसी भी तरह का सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर या किसी भी तरह का सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी भी नहीं है, और ऊपर से होते भी फिर भी आपका आपको मैं यही बोलता कि आपको निवेश करने से पहले अपने तरफ से पूरी रिसर्च करनी चाहिए। हमारा वीडियो का इस्तेमाल आप अपने रिसर्च को आसान करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डिसीजन लेने के लिए नहीं करिए। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड मीटिंग का आउटकम आया है। यहाँ पर जो है फाइनली 1 रुपये का स्टॉक स्प्लिट में होकर के इसका फेस वैल्यू हो जाएगा, मतलब अगर आपके पहले से होल्डिंग 100 शेयर हैं तो 1000 शेयर में कन्वर्ट करने होने वाले हैं। देखिए वैल्यू नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, वैल्यू नहीं बढ़ने वाला है। और नंबर ऑफ शेयर बढ़ने से क्या होता है, अगर अच्छा कंपनी है, अच्छा साउंड उसका क्या बोलते हैं, अगर अच्छा फंडामेंटल है, बिजनेस अच्छा है, तो क्या होता है कि लिक्विडिटी बढ़ता है, लिक्विडिटी बढ़ता है तो छोटे छोटे निवेशक भी निवेश करते हैं, तो यहाँ पर प्राइसेज और भी हाइक होता है, पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है सीधे शब्दों में बोला जाए तो। यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ साफ साफ लिखा है, उसके बाद जो लिखा एक्सपेक्टेड है अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर क्या है कि ये बोर्ड मीटिंग में मिला है अप्रूवल, अभी जो है शेयर होल्डर्स का जो अप्रूवल होगा उसके मतलब इसके मतलब 3 महीने के अंदर आपको क्या होने वाला है, इसका जो फेस वैल्यू है स्प्लिट होकर के 1 रुपये का होने वाला है।
यहाँ पर हालांकि किसी भी तरह का डेट नहीं दिया है, मैं ऊपर फिर से देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पर आप लोग भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए डेट फॉर द प्रपोज ऑफ सब डिविजन ऑफ इक्विटी सर विल बी इंटीमेटेड टू द एक्सचेंज। यहाँ पर इंटीमेट किया जाएगा एक्सचेंज पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको क्या बताया गया, यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसका जो है स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए, सैटरडे को हुआ था, 13 जुलाई को हुआ था इसका मीटिंग, जिसमें कि ये आपको अप्रूवल मिला है। उसके बाद ऑर्डर की बात करते हैं, तो ऑर्डर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए 45 करोड़ का माल, 45 करोड़ का इसे क्या मिला है, ऑर्डर मिला है माइक्रो रेलवे स्टॉक्स बीन्स 45 करोड़ ऑर्डर। यहाँ पर देख लीजिए K&R रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को मिला है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो ये था आज के लिए, मुझे लगता है इतना इनफ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारे चीज़ें आप लोगों से डिमांड किया गया, उस पर हम धीरे धीरे वीडियो बना रहे हैं। बाय द वे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, बाय।